मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर मतगणना लगातार जारी है। अब तक हुई काउंटिंग में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह लगातार बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान से आगे दिख रहे हैं। वहीं परिणाम घोषित हो इससे पहले सपा के साथ इंडिया गठबंधन में सहयोगी दल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की बढ़त को देख कांग्रेसियों में खुशी की लहर सी दौड़ गई। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंतखाब आलम और कांग्रेस प्रवक्ता पूजा राय सहित तमाम नेताओं ने जीत के नारे लगाए। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये चुनाव इंडिया गठबंधन ने साथ लड़ा है और ये गठबंधन की जीत है। ये इंडिया चुनाव लड़ी है और भारी मतों से सुधाकर सिंह जी जीतेंगे, पूरी उम्मीद है हम लोगों को और लीड भी कर रहे हैं। जैसा कि सभी आप सभी को पता है कि सुधाकर सिंह लीड कर रहे हैं और हम लोग उन बीजेपी को जिनके डीएनए में ही फ्रॉड है, लूट मार जो भी करना है वो करके देख लिए लेकिन जनता के आगे हार गए। अभी आप देखिएगा कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और आप सभी के लिए मिठाई का आनंद आशीर्वाद में हुआ है। और दूसरी बात की जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है तो अभी हाल में ही 200 रुपये जो सिलेंडर के कम हुए हैं जी, जी, तो ये सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए एक लॉलीपॉप का काम किया है। बता दें कि कुल 32 राउंड की काउंटिंग होनी है जिसके बाद परिणाम घोषित होगा। वहीं घोसी सीट पर हुए उपचुनाव को लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया और एनडीए गठबंधन के पहले और आखिरी टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। अगर स्थिति यही रही तो फाइनल मैच से पहले प्रैक्टिस मैच में इंडिया गठबंधन बाजी मार जाएगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।